नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन बालकनी में आप सबका स्वागत है। 5 बजे का टाइम है, अभी भी देखिए कितना तेज धूप आ रहा है। मेरे को अभी गार्डन का बहुत सारा काम करना है, तो मेरे को लगा क्यों ना आप लोग उनसे भी शेयर किया जाए। अभिला पर फूल आना स्टार्ट हो गया है, कितना अच्छा लगता है ना जब फूल आना स्टार्ट हो जाता है। तो आज मैं आप लोग उनको दिखाऊंगी। कुछ दिन पहले मैं सीड डाली थी नींबू का, तो वो नींबू का पौधा निकाल के आ गया है। तो ये नींबू का पौधा से निकाल के इसको दूसरा पॉट में लगाना है। ये मेरा चंपा का प्लांट है, यहाँ पर लगा हुआ है, इसी में मैं सीड डाल दी थी, इसी में ये निकल के आ गया है। अभी देखिए 3-4 आ गया है। तो ये सब को निकाल के मैं छोटा छोटा पॉट में लगा दूंगी, उसके बाद इसको दूसरा पॉट में लगाऊंगी। तो चलिए इसको निकालते हैं। पहले धीरे धीरे निकालने का रहता है, थोड़ा सा नरम जड़ रहता है, टूटने का चांस रहता है। घर में जो नींबू यूज होता है उसी का सीड मैं डाल दी थी, उसी में पौधा देखिए कितना हेल्दी निकल के आ गया है। अब देखिए कितना जड़ हो गया, 4-5 प्लांट निकल के आ गया है। अभी तो अच्छा ही लग रहा है, आगे देखते हैं ये कैसा रहता है। इसके लिए अभी मैं नॉर्मल मिट्टी यूज करूंगी, नॉर्मल मिट्टी में इसको लगा दी हूँ। थोड़ा सा छोटा वाला पॉट है और थोड़ा सा उसमें कंपोस्ट डाल के और दो दो प्लांट करके मैं लगा दी। अब ये कैसे चलेगा वही देखना है। अब देखिए ये टमाटर पकने लगा है, इसको तोड़ के अब पौधा को हटाना है। पौधा को निकाल लेंगे तो ये गमला मेरा अच्छा हो जाएगा। एक ही गमला में लगा हुआ है, एक नहीं पका है, बाकी पक गया है। और पौधा में और कहीं पर कुछ नहीं है, तो ये चंपा का प्लांट को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये प्लांट को हेल्दी रखने के लिए मैं अब टमाटर को निकाल के और ये टमाटर का प्लांट को निकाल दूंगी, तो पौधा मेरा हेल्दी हो जाएगा। तो कितना बड़ा बड़ा टमाटर हो गया है, ये सब को निकाल लेना है। कितना बड़ा साइज का है। अब इसको भी निकाल के पौधा को हटाती हूँ। पौधा हटा लेने से गमला भी हेल्दी हो जाएगा और पॉट भी, देखिए कितना खाली खाली हो गया है। पौधा भी अब कितना हेल्दी हो जाएगा। अब नीचे इसको फेंक दी हूँ मैं। टमाटर एक प्लांट में एक ही बार फल देता है, उसके बाद नहीं। ये मिट्टी को थोड़ा सा गुड़ाई कर दी हूँ तो ये नरम हो गया है। अब ये बहुत अच्छा से चलेगा। लेकिन ये जो चंपा का प्लांट है ना, ये बहुत बड़ा हो रहा है। इसको थोड़ा सा बांध के मैं कोशिश कर रही हूँ एक ही जगह पर रहे, बहुत ज़्यादा ना फैले तो गार्डन में इसको रख पाऊँगी, नहीं तो इसको हटाना पड़ेगा। तो चलिए अभी तो इसको बांध दी हूँ मैं। अब देखिए ये जो काटिंग है, ये जो कनेर का पौधा देख रहे हैं, ये काटिंग से ग्रो हुआ है। कुछ दिन पहले गार्डन में एक पौधा था मेरा कनेर का, वो खराब हो रहा था, तो उसका दो काटिंग मैं लगा दी हूँ। देखिए कितना सारा जड़ बन गया है। अब ये और पानी में नहीं रहेगा, मैं पानी में ज़्यादा ग्रो कराती हूँ, क्योंकि पानी में मेरे को 100% रिजल्ट मिलता है। मिट्टी से, सैंड से अच्छा मेरे को पानी में मिलता है। इतना ज़्यादा जड़ बन गया है पानी में, ओनली पानी था उसमें और कुछ भी नहीं था, तो इसको मैं मिट्टी में लगाऊंगी। अभी शाम भी हो रहा है, तो इसको लगा देने से ये अच्छा से चलेगा भी। अभी बड़ा भी हो गया है, सब काटिंग में कितना अच्छा पत्ते आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। देखिए कितना हेल्दी लग रहा है। इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा सैंड, थोड़ा सा मिट्टी, थोड़ा सा कंपोस्ट। ये सैंडी सॉइल में चलने वाला पौधा है, ये मेरे पास था पहले, तो वही काटिंग को लगा रही हूँ। अब ये शाम के समय इसको लगाना भी अच्छा है, तो इसको लगा दी हूँ। अब पानी डाल दूंगी तो ये पौधा अच्छा से चले। फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ काम करना था मेरे को। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।